तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं रमजान स्पेशल कटोरी चना चाट की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। और आज हम बनाएंगे न्यू ट्रिक से। तो चलिए फ्रेंड्स रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बाउल में एक कप मैदा लिया है और आधा कप कॉर्नफ्लावर लेंगे। तो जितना मैदा लेना है उसके आधे कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करना है। आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे हमने एक कप पानी लिया है। पानी को मैदे में थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छा सा हम बैटर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल ही स्मूथ बैटर तैयार करना है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक ही बार ज़्यादा नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैदे का बैटर है, वो बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार है। हमने इसका जो थिकनेस है वो मीडियम रखी है। इस तरीके से स्पून से गिरा के चेक कर लेना है। अब इसे साइड रखते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप उबला हुआ काला चना लिया है। आप यहाँ पे काबली चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, एक छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर जाएगा, साथ ही आधी छोटी चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर डाल देंगे। अब इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चॉप करके गाजर लिया है, थोड़ा सा प्याज लेंगे चॉप करके, थोड़ा सा यहाँ पे हमने टमाटर लिया है जिसका बीज हटा के हमने चॉप कर लिया था, एक यहाँ पे हमने आलू लिया है। आलू को चने के साथ हमने बॉईल कर लिया था। थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता लेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज और धनिया पत्ता छोड़ दिया है गार्निशिंग करने के लिए। तो यहाँ पे सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें एक चम्मच हमने बूंदी डाला है, तो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पे लेमन जूस ऐड कर लिया है। सारे चीज़ों को हमने डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा स्पाइसीनेस के लिए मिर्च और टमाटर की चटनी ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पे इमली की खट्टी मीठी चटनी भी डाल सकते हैं, ग्रीन चटनी डाल सकते हैं या फिर मीठी चटनी भी डाल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चाट में चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे चीज़ों को हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लेने के बाद इसे हम साइड रखेंगे और इधर हमारा जो कटोरी चाट के लिए बैटर है वो फूल के तैयार हो चुका है। इसे एक बार हम फेंट लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कटोरी बनाने के लिए मैं न्यू ट्रिक का इस्तेमाल करने वाली हूँ। न्यू ट्रिक ये है कि इस तरीके का एक लेडल लेना है। तो इस तरीके का जो लेडल होती है सभी के घर में अवेलेबल होती है। अगर आपके पास इस तरीके का लेडल नहीं है तो आप यहाँ पे इस तरीके का एक छोटी सी स्टील का बाउल ले लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल है वो मीडियम हीट है। तेल में इस तरीके से हम लेडल को डिप कर लेंगे बराबर से। इस तरीके से डिप करेंगे जैसे कि लेडल में बराबर से चारों तरफ ऑयल अच्छे से लग जाए। और यहाँ पे मैंने एक साफ़ कपड़ा लिया है। कपड़े से इस तरीके से लेडल के नीचे वाली पार्ट का जो तेल लगा हुआ है वो हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ कर लेने के बाद यहाँ पे बैटर में लेडल को बराबर से डिप करेंगे ताकि चारों तरफ से बराबर से बैटर लग जाए। यहाँ पे देख सकते हैं बैटर है वो लेडल में लग चुकी है। अभी से ले चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में इस तरीके से लेडल डाल दिया है। लेडल को हल्के हाथ से पकड़ के रखना है। तो फ्रेंड्स इसे फ्राई होने में लगभग 4 मिनट लग जाएगी। और यहाँ पे जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे। अगर हाई फ्लेम कर दीजिएगा तो यहाँ पे जो कटोरी का साइड वाला पार्ट है वो जल जाएगी और नीचे का जो पार्ट है वो बिल्कुल ही कच्चा रह जाएगी। तो कच्चा रह जाने की वजह से कटोरी है वो लेडल से रिमूव नहीं हो पाएगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और बिल्कुल ही पेशेंस से यहाँ पर कटोरी को फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कटोरी बनाते हुए बिल्कुल भी वीडियो को कट नहीं किया है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर स्किप कर लीजिएगा तो ये छोटी छोटी जो पॉइंट है वो छूट जाएगी और फिर ये बिल्कुल परफेक्ट कटोरी आप घर पे नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कटोरी में हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। इसी स्टेज पे हम लेडल से रिमूव कर लेंगे। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमने एक चाकू लिया है। तो चाकू सभी के घर में अवेलेबल होती है, तो इस तरीके से पतले नोक वाली चाकू लेनी है। चाकू से हम एक तरफ से इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से रिमूव करेंगे सावधानी से, और साइड साइड से हल्का हल्का रिमूव हो जाने के बाद ऑयल में इस तरीके से थोड़ा सा हम लेडल को हिला लेंगे ताकि चारों तरफ ऑयल लग जाएगी तो आसानी से कटोरी रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कटोरी है वो लेडल से रिमूव हो चुका है और यहाँ पे हमारा परफेक्ट
कटोरी बनकर तैयार है। इसी तरीके से फिर से वही प्रोसेस करेंगे। लेडल में हम ऑयल लगा लेंगे और ऑयल लगा लेने के बाद हल्के हाथ से इस तरीके से ऑयल को बराबर से हम रिमूव कर लेंगे और लेडल को बैटर में बराबर से डिप करेंगे ताकि चारों तरफ से बैटर है वो अच्छे से लग जाए, तभी कटोरी का जो शेप है वो परफेक्ट आएगी। बैटर में डिप कर लेने के बाद डायरेक्ट हम तेल में डाल देंगे और यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखनी है। और इस तरीके से आप बिल्कुल परफेक्ट कटोरी घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कटोरी बनाने के लिए छोटी सी बाउल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाउल इस्तेमाल करने के लिए आपको चिमटे की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही आप बाउल को ऑयल में डिप कर लीजिएगा। डिप कर लेने के बाद जैसे मैंने लेडल को साफ़ किया था कपड़े से, वैसे ही कटोरी का जो नीचे का जो पार्ट होता है वो कपड़े से साफ़ कर लीजिएगा। फिर बैटर में डिप कीजिएगा। बराबर से डिप कर लेने के बाद डायरेक्ट चिमटे से ऑयल में डिप कर लेना है और इस तरीके से आप बाउल से भी परफेक्ट कटोरी बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरी टिप्स ये है कि यहाँ पे जो हमारा लेडल के पीछे हल्की हल्की सी बैटर लग गई है उसे बीच बीच में हमें साफ़ कर लेना है। अगर साफ़ नहीं कीजिएगा तो फिर कटोरी है वो अच्छे से रिमूव नहीं हो पाएगी, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को दोनों तरीका बता दिया है, जो आप लोगों को आसानी लगे उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो ये लेडल वाली ही प्रोसेस बहुत ही सिंपल लगी, मैंने लेडल से ही कटोरी बना के तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल ट्रिक से ये कटोरी बनाना शेयर किया है। आप लोग भी इस रमज़ान स्पेशल इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से सारे कटोरी हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारा कटोरी है वो बनकर तैयार है। इसे हम फिल कर लेंगे। तो फिल करने के लिए जो हमने चार्ट बनाया था उसे हम इस तरीके से सारे कटोरी में फिल कर लेंगे और इस पर थोड़ा सा हम चटनी ऐड कर लेंगे, मीठी चटनी हो या फिर इमली की चटनी हो। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए अनारदाना, बारीक सेब, थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता और थोड़ा सा इस पर हम ऑनियन डाल देंगे। ये हमारा परफेक्ट कटोरी चाट बनकर तैयार है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।